जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, टर्निंग फैक्ट ऑफ फोर्स। इसके न्यूमेरिकल के ऊपर सारा जो डिटेल है वो मैं आज आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो इसके जो है वो आपको मैं लेके चलता हूँ फार्मूलों की तरफ। जो जो फार्मूले चैप्टर में इस्तेमाल होने हैं वो आपको अच्छी तरह याद हों तो फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो है वो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, एफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स कंपोनेंट के स्केयर एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर को ऐड कर लें, इनका जजर ले लें, ठीक है। तो आपके पास जो है वो उस फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाती है। और फिर उस फोर्स की अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स होता है। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाले टॉपिक से चारों फार्मूले जो हैं वो ड्राइव हुए थे कि किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट में तोड़ने का या ब्रेक करने का अमल जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है। और उसके नतीजे में बस चार चीज़ें आती हैं जब एक फोर्स को हम तोड़ते हैं उसके हिस्सों में, तो एक उसका हिस्सा एफ एक्स आता है, एक एफ वाई आता है। फिर उन दोनों को मालूम करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा फार्मूला यूज़ किया जाता है, एफ वाई मालूम करने के लिए एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। फिर उस फोर्स की संबंध निकालने के लिए एफ इज इक्वल टू दोनों कंपोनेंट्स के स्केयर को लेके अंडर रूट ऐड करके अंडर रूट ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये उसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है। और फिर अगर उस फोर्स की संबंध निकालनी हो तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स लिया जाता है। फिर उसके बाद टार्क का फार्मूला है ये वाला नेक्स्ट, ई इज इक्वल टू एफ एल यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट आर्म। टार्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट आर्म। तो ये अभी तक जो पांचों फार्मूले हैं वो पांचों इंपॉर्टेंट हैं और ये मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद एक यही भी टार्क का फार्मूला है, लेकिन इस सूरत में ये उस सूरत में होगा जब कपल का जिक्र होगा या ड्राइविंग व्हील का जिक्र होगा। तो मूवमेंट आर्म जो होगा ड्राइविंग व्हील में, अगर आप मतलब ड्राइव कर रहे हैं स्टेयरिंग को अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आपने एल के बजाय 2L यूज़ करना है, क्योंकि वो लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे होता है। तो जितना मूवमेंट आर्म दिया होगा अगर कपल का जिक्र हो रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाइड करके तो फिर आप उसका टार्क निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये पिक्चर फ्रेम हैंग करने वाला सवाल है। इसमें आपके पास दो जो है रस्सियाँ बंधी हुई हैं एक पिक्चर फ्रेम को हैंग करने के लिए, तो उसमें उस पिक्चर का वेट जो है वो नीचे की तरफ होगा, टेंशन टी रस्सियों में ऊपर की तरफ होगी। तो दोनों रस्सियों में टेंशन जो है वो ऐड करके हम उस पिक्चर का जो है वो फ्रेम का वज़न निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो फिगर है इसमें दो असल में ये दो पिक्चर्स फ्रेम जो हैं वो लटके हुए हैं। तो एक में एक जो रस्सी है उसमें दोनों का वज़न ऐड हो रहा है, ठीक है, और जो नीचे लटक रही है दो ऊपर नीचे जो फ्रेम है ये लटक रहे हैं, एक पहले ऊपर आता है फिर उसके नीचे रस्सी बंधी हुई है फिर नीचे एक फ्रेम बंधा हुआ है। तो उस सूरत में आपके पास टेंशन और वेट का फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से होगा। अगर टेंशन टी पहले वाले रस्सी में निकालनी है तो उसमें दोनों वज़न जो है वो ऐड हो रहे हैं, और अगर नीचे वाली रस्सी में निकाल लें तो उसमें सिर्फ वज़न 2 जो है वो रह जाता है, पहले वाला वज़न ऊपर उसका असर नीचे नहीं होता नीचे वाली रस्सी पर। उसके बाद ये एक फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर है, टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2 यानी एंटी क्लाक वाइज टार्क बराबर होता है क्लाक वाइज टार्क के। तो टार्क का फार्मूला एफ वन ज़रब एल वन बराबर एफ टू ज़रब एल टू, ये तीन चार नुमेरिकल में ये यूज़ हुआ है, 2 से 3 नुमेरिकल्स में, ठीक है, और एक दो एग्जांपल्स में। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला है, इसमें आपको तीन चीज़ें गिवन होंगी यानी मूवमेंट आर्म दिया होगा, फोर्स 2 दी होगी, एक फर्स्ट मूवमेंट आर्म दिया होगा, एक फोर्स आपसे निकालने को कह देगा या F2 निकालने को कह सकता है या फर्स्ट मूवमेंट आर्म निकालने को कह सकता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के ऊपर है जिसमें क्लॉकवाइज टार्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। और एक फार्मूला इसी से मिलता जुलता है, अगर आपको फोर्स मालूम करनी है और आपको मैथ गिवन है तो उसके लिए आप MG वाला फार्मूला इस्तेमाल करके ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये मतलब फार्मूले तो जो इस चैप्टर में यूज़ होने हैं, अगर आप इनको पहले से लिख लेंगे याद कर लेंगे तो आपको जो है वो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को समझना बहुत आसान होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इन न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे ये सॉल्व होने हैं। जी सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 4 का 4.1, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, यानी नीचे दी गई फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने मालूम करना है। उसमें तीन उसने फोर्सेस दी हैं, 10 न्यूटन लॉन्ग एक्स एक्सिस है, 6 न्यूटन लॉन्ग वाई एक्सिस है और 4 न्यूटन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब हमने क्या करना था, मैग्नीट्यूड निकालनी थी फोर्स की रिजल्टेंट की। तो उसके लिए फार्मूला सबसे पहले
एफ इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर सारे का अंडर रूट, ये वाला फार्मूला है। अब हमने एफ एक्स की कीमत पहले निकालनी है, फिर एफ वाई की एज इट इज़ गिवन है, 6 न्यूटन किधर है, वाई की, एफ वाई जो है वो 6 न्यूटन है, एफ एक्स 10 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और 4 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो 10 में से 6 निकाल दें, 10 में से सॉरी 4 निकाल दें, पीछे 6 न्यूटन जो है वो एक्स कंपोनेंट बचता है, एफ एक्स भी 6 आएगा, एफ वाई भी 6 आएगा। यहाँ पे ये वैसे गिवन डाटा में थोड़ी गलती है, यहाँ पे 10 माइनस 4 आना है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 6 न्यूटन बनेगी और एफ वाई जो है वो 5 की बजाय 6 न्यूटन यहाँ पे आपने लिखना है, ये 6 न्यूटन है, ये प्रिंटिंग में गलती इस वजह से। अब रिजल्टेंट फोर्स जब आपने निकालनी है तो फार्मूला आपने को पहले से पता होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर। एफ एक्स जो है वो 10 में से 4 निकाल के 6 बचा था और एफ वाई भी 6, इन दोनों का स्केयर 36 जमा 36 72 का जदर 8.5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब उस रिजल्टेंट फोर्स की जो है वो हमें सम्मत भी बतानी है कि किस सम्मत में वो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। सम्मत बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि एंगल लिया जाता है 0 से लेकर 360 तक, टोटल एंगल्स हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारी सम्मतें हैं, इनके इन बिटवीन आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या करना है, पहले एंगल निकालना है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सम्मत में वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो फोर्स है वो लग रही है। थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ये इक्वल नहीं आना यहाँ पे, एफ वाई 6/6 एक आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1 बनेगा। टैन इनवर्स 1 का जब लेते हैं तो 45 एंगल बनता है, तो ये ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल सेंटर में जो लगने वाली फोर्स है, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी हमने बता दी, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम से, और उससे ये फार्मूला ड्राइव हुआ था। उसके बाद हमने इसकी सम्मत बताई थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाले फार्मूले से। उसके बाद है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने एफ एक्स और एफ वाई निकालना है, ठीक है, और फोर्स 50 न्यूटन है गिवन डाटा लिख लें, एंगल 30 डिग्री है, तो इसके लिए फार्मूले मैंने पहले लिखवाए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एक्स जो 50 है कॉस 30, इसकी वैल्यू जो है 0.866 आती है, और ये एफ एक्स जो है वो 43.3 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा दूसरा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर होता है, तो उसमें 50 साइन 30 जो है वो 0.5 के बराबर है, तो 25 न्यूटन आ जाएंगे ये दोनों कंपोनेंट। 43.3 न्यूटन एक्स कंपोनेंट हो गया और 25 न्यूटन वाई कंपोनेंट हो गया। थर्ड वाले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, उसमें फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आपने इसमें मैग्नीट्यूड यानी एफ की कीमत भी बतानी है और उसकी थीटा की कीमत भी बतानी, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, यानी एफ एक्स की 12 न्यूटन कीमत हो एंड एफ वाई की कीमत 5 न्यूटन हो, सिर्फ पहले और थर्ड वाले न्यूमेरिकल बिल्कुल एज इट इज है, वैल्यूज़ डिफरेंट है, उसमें 6 और 6 न्यूटन थे, अब इसमें 12 और 5 न्यूटन है। एफ आपने मालूम करना है मैग्नीट्यूड और थीटा मालूम करना है, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर अंडर रूट है, और एफ एक्स 12 का स्केयर जमा 5 का स्केयर 144 जमा 25 बनेगा, तो ये 169 बन जाएगा, 169 की जदर 13 न्यूटन आएगी। थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स वाला फार्मूला यूज़ किया, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, यहाँ पे इक्वल नहीं आना, गलती है प्रिंटिंग में, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई जो है वो 12 है बटा एफ एक्स 5 है, 2.4 बनेगा, और इसकी एंगल की कीमत जो वो 22.6 न्यूटन होगी, सॉरी 22.6 होगी, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी। उसके बाद नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, यानी एक फोर्स जो 100 न्यूटन की है वो अप्लाइड हो रही है परपेंडिकुलर ऑन स्पैनर एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब फोर्स 100 न्यूटन होगी, डिस्टेंस या मूवमेंट आर्म उसका 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आपने टार्क मालूम करना है, अब न्यूटन स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी ऐसे ही सिस्टम का एक यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर उस ऐसे ही सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना है, यानी एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 100 से डिवाइड करने के बाद ये 0.1 मीटर बचेगा। तो टार्क वाला फार्मूला एज इट इज लिख लें, टी इज इक्वल टू एफ ज़रब एल, तो एफ 100 न्यूटन है, एल जो है वो 0.1 मीटर हुआ, तो 10 न्यूटन मीटर इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद 5 वाला न्यूमेरिकल है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, यानी एक फोर्स है वो लग रही है और 30 डिग्री एंगल बना रही है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, यानी एफ एक्स की कीमत जो है वो 20 न्यूटन है, एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप याद रखें एफ एक्स जो है वो 20 न्यूटन हो जाएगा। फाइंड द फोर्स,
फोर्स बतानी है, तो आपने सिंपल वो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ आपने निकालना है, थीटा की कीमत 30 है और ये एफ एक्स आपको 20 न्यूटन दिया हुआ है, तो कॉस थीटा जो है वो 0.866 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा 20 बटा 0.866, तो एफ आपके पास 23.1 न्यूटन जो है वो फोर्स थी जो एक्स कंपोनेंट के अलोंग 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए लग रही थी। उसके बाद सिक्स वाला न्यूमेरिकल है, द स्टेयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, एक कार का जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है वो सेंटर से एक साइड का फासला होता है, कार के स्टेयरिंग का रेडियस 16 सेंटीमीटर है और वो सेंटर से एक साइड का फासला होगा, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाई कपल ऑफ 50 न्यूटन, तो आपने बताना है कि उसका टार्क कितना होगा जो कपल प्रोड्यूस करेगा। रेडियस जो है वो 16 सेंटीमीटर है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करें, 16 बाई 100 करेंगे 0.16 मीटर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं फोर्स के ऊपर, फोर्स कितनी लग रही थी 50 न्यूटन, उसके बाद टार्क हमने निकालना है, तो टी इज इक्वल टू एफ ज़रब 2L करेंगे, क्योंकि कार का स्टेयरिंग है और स्टेयरिंग का रेडियस सिर्फ सिंगल साइड है, सेंटर से एक साइड का फासला है, तो स्टेयरिंग में तो कपल तो जो दोनों साइडों से प्रोड्यूस होना है ना, तो मूवमेंट आर्म जो है वो 2L लेंगे, क्योंकि सेंटर से एक साइड और सेंटर से दूसरी साइड दोनों का आपके पास जो मूवमेंट आर्म होगा वो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। एफ 50 न्यूटन है, ज़रब चौंका स्टेयरिंग था, उसका एक साइड का रेडियस था, हमने इसलिए उसको 2 से ज़रब कर दिया, 2.16 तो ये जवाब आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। उसके बाद सेवन वाला न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करता है कि एक पिक्चर फ्रेम है हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स, एक तस्वीर जो है वो दो अमूदन रस्सियों से लटक रही है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन है, फाइंड द वेट ऑफ द ऑल पिक्चर फ्रेम, तो सिंपली सी बात है, अगर दो रस्सियों से एक पिक्चर लटक रही है, उन दोनों रस्सियों में जो है वो 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन टेंशन है, तो इन टेंशन्स को ऐड कर लें तो उस पिक्चर का आपके पास वजन जो है वो आ जाएगा, तो आपने सिंपली क्या करना है कि टेंशन वन जमा टेंशन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये वाला फार्मूला आपने लिख लेना है, टी वन जमा टी टू इज इक्वल टू डब्ल्यू, 3.8 प्लस 4.4 इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो आपके पास उस पिक्चर का वेट आएगा वो 8.2 न्यूटन होगा। अच्छा, जितनी टेंशन होती है उतने ऑब्जेक्ट का वेट होता है, इसलिए हमने इसको ऐड किया था। अब ये ज़रा पिक्चर देख के इसको थोड़ा सा समझ लें कि एक जिसम जो है वो 5 केजी का है और वो यहाँ पे लटक रहा है, उसके नीचे जो एक दूसरा जिसम है 3 केजी में इसका, वो नीचे लटक रहा है, अब आपने बताना है कि इस रस्सी में टेंशन क्या होगी, इस रस्सी में टेंशन क्या होगी, तो मास ऑफ ब्लॉक वन जो है 5 केजी हो गया, मास ऑफ लार्ज ब्लॉक जो सेकंड ब्लॉक है वो 3 केजी है, ठीक है, और टेंशन प्रोड्यूस इन ईच स्ट्रिंग टी वन और टी टू आपने मालूम करना है, टी वन जब हम निकालेंगे तो उसमें दोनों वजन ऐड होंगे डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, अब वजन ही हमें दिए हुए इसलिए हमें पास मास है, तो वेट का फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एम जी यूज़ करेंगे, एम जी प्लस एम जी, एम जी जो है वो कॉमन ले लिया, एम प्लस एम जो है वो आपके पास रह जाएगा, पहला मास जो आपके पास नीचे जो है वो 3 है प्लस 5 है मल्टीप्लाइड बाय 10 20 न्यूटन आपके पास टेंशन जो है वो पहली रस्सी में होगी। उसके बाद टी टू जो नीचे वाली रस्सी है, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इस रस्सी में टेंशन सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की वजह से 3 केजी वाले मास की वजह से, तो टी टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आ जाएगा, बस टी टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू और वो है एम टू जी, एम टू आपके पास 3 है जी 10 हो गया, तो टी टू आपके पास सेकंड मास वाले जिस्म की वजह से जो टेंशन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 30 न्यूटन आ जाएगी। नेक्स्ट नाइन वाला न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको समझा दूं, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ नट हैज़ बिन टाइटेंड बाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक नट को टाइट किया जा रहा है 200 न्यूटन फोर्स के साथ, एफ वन 200 न्यूटन होगी, यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, आपके पास 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर है, उसकी लेंथ एल में है ना, आप 10 सेंटीमीटर कर लें, सेंटीमीटर को मीटर में निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और ये 0.1 मीटर बन जाएगा। व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर इज रिक्वायर्ड, दूसरी लेंथ एल टू आपने मालूम करनी है टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स, एक उसी तरह के नट को लेकिन उसके ऊपर फोर्स हम जो है 100 की बजाय 200 की बजाय 150 न्यूटन लगाएंगे, यानी इसमें बात सुन लें, समझ लें पहले कि एक नट को जो है वो टाइट किया जा रहा है 200 न्यूटन की फोर्स के साथ 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर यूज़ करके, अब आपने फोर्स कम कर दिया 150 न्यूटन फोर्स लगानी है लेकिन स्पैनर की लंबाई पर बढ़ेगी, तो कितनी लंबाई वाला स्पैनर चाहिए जिससे हम 150 न्यूटन फोर्स लगा के उसी नट को जो है वो लूज़ कर सकें,
तो एफ टू आपके पास 150 न्यूटन आ गई, एल टू आपने मालूम करना है। तो सिंपल क्लॉक वाइज टार्क बराबर होता है एंटी क्लॉक वाइज टार्क, एफ़ वन ज़रब एल वन बराबर एफ़ टू ज़रब एल टू। तो बाकी सारी चीज़ें गिवन है, सिर्फ एल टू गिव अननोन है, 200 एफ़ वन है, 0.1 जो है आपके पास एल वन है, एफ़ टू आपके पास 150 न्यूटन है और एल टू आपने मालूम करना है। तो आपके पास ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाली चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये 0.133 मीटर आएगा। अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 13.3 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर यूज़ करके हम 200 की बजाय 150 न्यूटन वाली फोर्स है उस नट को आसानी से लूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी, एक ब्लॉक का मास 10 केजी है और सस्पेंड किया हुआ एक डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी एक जिस्म का मास 10 केजी है और उसे बांधा गया है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लंबी एक बार है, उसके ऊपर एक जिस्म जिसका मास 10 केजी है उसको 20 सेंटीमीटर फासले पे, सेंटर से 20 सेंटीमीटर फासले पे बांध दिया गया। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ अ बार। इसकी स्टेटमेंट समझ लें ज़रा, 1 मीटर लंबी बार है, 1 मीटर लंबा रॉड है, उसको सेंटर से उसने क्या किया, खड़ा किया हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, उसका सेंटर पे उसको रख के खड़ा किया हुआ है और उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पे एक जिस्म बांध दिया है। अब आपको वो कहता है कि दूसरी साइड पे आपने बिल्कुल उसके किनारे पे जाना है और 50 सेंटीमीटर के ऊपर आपने एक और चीज़ बांधनी है, उसका वज़न जो है वो कितना होगा जिससे वो जो चीज़ है वो बैलेंस हो जाए। तो M1 डाटा लिखते हैं, 10 केजी है, लेंथ 1 मीटर है, सॉरी लेंथ ऑफ बार मुकम्मल लिख ली 1 मीटर है। इसका कोई लिंक नहीं है न्यूमेरिकल में, लेकिन इसके बाद ये वाली चीज़ें इसके साथ लिंक करती हैं। मूवमेंट आर्म ऑफ W1 जो है वो सेंटर से 20 सेंटीमीटर है, तो इसलिए L1 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर आ जाएगा 100 से डिवाइड करने के बाद। L2 सेंटर से उसने दूसरे किनारे की बात की थी, तो दूसरा किनारा 50 सेंटीमीटर एक साइड पे, 50 सेंटीमीटर दूसरी साइड पे, तो दूसरा किनारा 50 सेंटीमीटर होगा, तो ये 0.5 मीटर बन जाएगा जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द बार F2 आपने मालूम करनी है, क्लाक वाइज मूवमेंट बराबर एंटी क्लाक वाइज मूवमेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, टार्क 1 बराबर टार्क 2 होगा, F1 ज़रब L1 बराबर F2 ज़रब L2। लेकिन आपको मैंने लास्ट में फार्मूला लिखा था F=W, W=mg, तो mg ज़रब L1 बराबर F2 ज़रब L2। M गिवन था ना, M आपके पास 10 था, 10 जी की कीमत आ गई, ज़रब L1 जो है वो 0.2 आ गया क्योंकि 20 सेंटीमीटर था और ये 0.2 मीटर बनेगा। F2 आपने मालूम करना है और ये फासला 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर था, ठीक है, और ये वाली चीज़ इधर ही रही, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा आपके पास 100 और ये 20 बनेगा इससे मल्टीप्लाई होने के बाद। F2 जो ज़रब 0.5 है इधर डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा तो ये बनेगा 40 न्यूटन। आपके पास फोर्स होगी जो 1 मीटर लंबी बार के बिल्कुल दूसरे किनारे पर रखेंगे, ठीक है, 40 न्यूटन, और वो उसको बैलेंस कर देगा जो कि 10 केजी मास है और वो 20 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर किसी बात की कोई समझ नहीं आई तो आप जो है वो वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर उसका जो है वो रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही है, दुआओं में याद रखिएगा, इस मेरे जो मतलब वीडियो लेक्चर्स हैं उनको वॉच कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप तक फौरी पहुंच सके। 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ रिकमेंड कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह ये विद इन 6 आवर्स आप जो मुकम्मल जो फिज़िक्स है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं 9th क्लास की को। उसके बाद मैं 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिज़िक्स की तरफ भी बढ़ूँगा, अभी ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ 9th क्लास की, उसके बाद 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को कंप्लीट करूँगा। आई होप आपको ये मेरा जो लेक्चर्स हैं ये और इससे पिछले वाले लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे।